सूरह यूसुफ का बकिया हिस्सा आज तिलावत हुआ और फिर सूरह रअद आज तिलावत हुई है और सूरह इब्राहीम भी। अज़ीज़ान गिरामी, सूरह रअद जो 13वें पारे में मौजूद है, फरमाया बुज़ुर्गों ने कि किसी के नज़ा का वक्त सख्त हो गया हो, सकरात की तकलीफ़ बढ़ गई हो, तो उसके सिरहाने के पास सूरह रअद की तिलावत करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ नज़ा में आसानी होगी और रूह निकलने में अल्लाह तबारक व ताला तख़फ़ीफ़ फरमा देगा। सूरह रअद की तिलावत आप तमाम हज़रात इसको याद रखें, कभी किसी के यहाँ झांकनी का वक्त आ जाए, नज़ा का वक्त शदीद हो जाए, तो ये सूरह ज़रूर तिलावत करें। और यासीन पाक भी है, यासीन शरीफ की तिलावत भी। बहरहाल सूरह यूसुफ़ का जो बकिया हिस्सा था उसमें कुछ आयतें ये हैं कि रब तबारक व ताला ने फरमाया, मैं यहाँ पर हमारे मामूलात की भी बात कर दूँ कि बिहम्दी ताला हम जो भी अकीदा रखते हैं या जिन चीज़ों पर अमल करते हैं वो कुरान और हदीस से साबित होता है। आपने कल सुना था सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई के गम में इतना रोए कि उनकी आंखें सफ़ेद हो गईं, यानी आंखों की बीनाई चली गई। काफ़ी अरसे के बाद जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से उनके दो सारे भाइयों ने मिस्र में मुलाकात की गल्ला लेने के लिए, तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ये कहा था जाओ अपने वालिद को लेते आना साथ में, लेकिन साथ में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था, इज़हबू बिकमीसी हाज़ा फ़अल्कूहू अला वजह अबी, ये मेरा जुब्बा लेते जाना और मेरे वालिद के चेहरे पर डाल देना। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपना जुब्बा दिया था अपने भाइयों के हाथ में कि अपने बाप के चेहरे पर इसे डाल देना। अब ये जुब्बा लेकर के जब चले और याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर उन्होंने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जुब्बा डाला तो कुरान कहता है फरतद बसीरा, उनकी खोई हुई बीनाई वापस आ गई। किसकी? याकूब अलैहिस्सलाम की, जो बाप हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम के जुब्बे का चेहरे पर पड़ना था कि बीनाई आ गई। मेरे अजीज़ों, यही तो अहले सुन्नत व जमात कहते हैं कि तबर्रुकात में तासीर हुआ करती है। हाँ, अब यहाँ से इतने भी समझने की बात है कि एक नबी का जुब्बा दूसरे नबी को फ़ायदा दे सकता है तो नबी की तबर्रुक उम्मती को क्यों नहीं फ़ायदा दे सकते? नबी का जुब्बा नबी को फ़ायदा दे रहा है। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भी नबी हैं, याकूब अलैहिस्सलाम भी नबी हैं। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जुब्बा अगर याकूब अलैहिस्सलाम को नफ़ा देता है तो हम गुनहगारों को हुजूर पाक के कदमों से लगी मिट्टी क्यों नहीं नफ़ा दे सकती है? हुजूर पाक के जिस्म अतहर से मस कोई लिबास या फिर आपका मुँह मुबारक हमें फ़ायदा क्यों नहीं दे सकता? यकीनन इन तबर्रुकात में तासीर है, बरकत है। तो यहाँ से ये हमारे मामूलात अहले सुन्नत व जमात समझ में आते हैं। अच्छा, और दूसरी बात, अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की इख्तियारात पर भी जो हम अकीदा रखते हैं वो भी सुनिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई अभी जुब्बा लेकर के घर पहुँचे भी नहीं थे, रास्ते में थे, तभी याकूब अलैहिस्सलाम को अपने बेटे की खुशबू आने लगी। घर में कहते हैं इन्नी लअजीदु रीहा यूसुफ, अपने घर वालियों से कहते हैं कि मैं यूसुफ़ की खुशबू सूंघ रहा हूँ। अभी वो भाई आए नहीं, रास्ते में है और जुब्बे की खुशबू यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के याकूब अलैहिस्सलाम को आ रही है। अज़ीज़ान गिरामी, और ये मसाफत कितनी थी, कितनी दूरी थी जो जुब्बा अभी मौजूद था जहाँ रास्ते में और याकूब अलैहिस्सलाम, कई सौ किलोमीटर का फासला था। अभी कई सौ किलोमीटर का फासला है और जुब्बे की खुशबू याकूब अलैहिस्सलाम सूंघ रहे हैं। मेरे अजीज़ों, फिर अगर कोई कहे नबी अपने जैसे बशर थे तो यहाँ बैठकर दिल्ली को सूंघ के दिखाओ, यहाँ बैठकर बेंगलुरु को सूंघ के दिखाओ, वो नबी के सूंघने की ताकत है
कि वो एक जगह बैठे तो सैकड़ों मील दूर तक देख भी सकते हैं, सूंघ भी सकते हैं। याकूब अलैहिस्सलाम की इस इख्तियार के बारे में कुरान बयान कर रहा है। और फिर यही तो अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत जमात का मौक़िफ है कि जब नबी सूंघ सकते हैं तो देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, और ये भी कुरान से साबित है, ये भी कुरान से साबित है। 19वें पारे की तिलावत होगी, उस वक्त मैं आपको बताऊंगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ जा रहे थे, चूंटियों की एक वादी थी, चूंटियों की वादी से आपका गुज़र होना था। तो चूंटियों की एक जो मलिका होती है, उनकी जो बड़ी होती रानी, वो पुकार करके सारी चूंटियों से कह रही है कि सबके सब अंदर चले जाओ, सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर आ रहा है, कहीं बेखबरी में तुम्हें रौन ना दें। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम अभी कई मील दूर थे। कुरान कहता है फतबस्सम दाइकम मिन कौलिहा, सुलेमान अलैहिस्सलाम चूंटी की बात सुन करके हंस पड़े। मुझे बताओ मेरे अजीजों, तुम कान के पास ले जाकर के चूंटी की बात सुन के बताओ क्या कह रही है चूंटी। अरे औरों की मच्छर की तो आवाज़ आती है, चूंटी की तो हमने आवाज़ भी नहीं सुनी। मक्खी के उड़ने की भिनभिनाने की आवाज़ आती है, चूंटी की आवाज़ सुनी है। लेकिन वो नबी कई मील दूर से चूंटी की बात को सुन भी लिए और मुस्कुरा भी दिए, कुरान कहता है। अब यहाँ से मुझे बताओ, बनी इसराइल के नबी चूंटी की बात सुन सकते हैं तो सैयदुल अंबिया उम्मती की बात क्यों नहीं सुन सकते हैं? हम यहाँ से पुकारें, वो वहाँ से सुने। मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाम, दूरों नज़दीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। हमारा मौक़िफ अहले सुन्नत व जमात का ये सिर्फ बरेली से निकला नहीं है, बल्कि कुरान से और हदीस रसूल से निकला हुआ है। आला हजरत ने अपने घर से नहीं लाए ये सारे अकायद और मामूलात, जो कुछ भी उन्होंने उम्मत को दिया है वो मेरे मुस्तफ़ा करीम की सच्ची शरीयत अता किया है। कुरान पाक की इन आयात बयानात में बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए हैं। बहरहाल सूरह रअद की एक वो आयत मैं तुम्हारे सामने तिलावत करता हूँ, जिसमें रब तबारक व ताला अपने बंदों को तंबीहन फरमाता है। रब तबारक व ताला फरमाता है وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهَا, जब अल्लाह ताला किसी कौम के साथ अजाब का इरादा कर लेता है या उसे ख़त्म करने का या तबाह करने का इरादा फरमा लेता है, तो फिर उसे कोई नहीं टाल सकता। फ़ला मरद्दल, कोई नहीं टाल सकता। और उसी से पहले यह आयत का टुकड़ा है, शायद आपने सुना होगा। आज हम सबको बेदार करने के लिए ये आयत का इतना टुकड़ा काफ़ी है। मेरा मौला फरमाता है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, बेशक अल्लाह ताला उस वक्त तक किसी कौम की हालत को नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत नहीं बदलती। तुम यहाँ बैठ करके खुद से कुछ ना बदलो और ये कहो अल्लाह की रहमत कब आएगी, अल्लाह की मदद कब आएगी। कुरान पढ़ो, अल्लाह फरमा रहा है अल्लाह तुम्हारी हालत नहीं बदलेगा जब तुम्हें खुद फिक्र नहीं है अपनी हालत बदलने का। तुम अपने आप को बदलते नहीं और ज़माना बदलने का सोचते हो। खुद के अंदर एक चेहरा यानी सुन्नत के तौर पर रखने की तौफीक नहीं होती और फिर अल्लाह की मदद की और शरीयत की और पूरे उम्मत इस्लामिया की दुआओं की बात करते हैं। अक्सर सोशल मीडिया के बड़े बड़े मुनाजिर जो बैठे हुए हैं, हाँ इनको देखो व्हाट्सअप पर फेसबुक पर जो बड़े बड़े इनके कमेंट होते हैं, वो मौलाना कहाँ हैं, ये शेख साहब कहाँ हैं, फलां कहाँ हैं, सबको झिझोड़ रहे हो तुम। उम्मत के हालात ख़राब हैं, दीन के हालात ख़राब हैं। सारा ठेका इन उलमा ने ले रखा है, मशायख ने ठेका ले रखा है। कुरान तो तुम्हारे लिए उतरा है, सबके लिए उतरा है। जब कुरान बार बार झिझोड़ कर कह रहा है कि तुम अपने आप को बदल लो, खुद को बदलते नहीं और इल्ज़ाम अपने बड़ों पर रखते हो। यही मक्का के जाहिल किया करते थे, यही पहली उम्मतों के जो जाहिल होते थे वो यही करते थे। खुद को बदलना नहीं होता तो अपने बड़ों को कोसते रहते थे, उनकी वजह से हम ऐसे हैं। वो लोग ये नहीं कर रहे हैं, मौलाना लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मशायख कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मेरे अजीज़ों, ये बोलना अब ख़त्म कर दिया जाए। क्या तुम्हारे लिए शरीयत वाज़ेह मौजूद नहीं है? रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत आज तक तुमने कभी सुना नहीं है? सुने हो, लेकिन अपने अंदर झांक करके देखो अब तक अमल कितना किया।
हुजूर के रास्ते पर अब तक कितना आए, फिर बाद में दूसरों तक उंगली उठाना। कुरान ये कहता है कि अल्लाह ताला उस वक्त तक तुम्हारी हालत नहीं बदलेगा जब तक तुम खुद अपनी हालत नहीं बदलते। इस पर मैं एक वाकया अर्ज़ करता हूँ। बगदाद मुकद्दस में एक बड़े बुज़ुर्ग थे, मोहम्मद जाम रदी अल्लाह ताला, बड़े पाए के बुज़ुर्ग हैं, साहबे करामत बुज़ुर्ग गुजरे हैं। यह वो दौर था जब हलाकू बादशाह पूरी दुनिया में अपनी दरिंदगी फैला चुका था, जहाँ जाता था कत्लेआम करता था, यके बाद दीगरे वो मुल्क के मुल्क फतह कर रहा था, लाशों के अंबार लगा रहा था। उसकी कुर्सी तो लोगों की लाशों पर ही लगती थी, हलाकू, नाम सुना होगा आपने, बड़ा जालिम बादशाह। और ये जंग करते करते जब इसका टारगेट बगदाद हो गया, बगदाद उस वक्त मरकज़ इस्लाम कहलाता था, उलमाए दीन वहाँ पर कसरत से हुआ करते थे, इल्म की बड़ी बड़ी दरसगाहें वहाँ पर मौजूद थी, दानिश्वर वहाँ मौजूद थे, सूफिया मौजूद थे। तो बगदाद में बड़ी बड़ी पुरानी तारीखी किताबें मौजूद थीं। बगदाद को उसने टारगेट बनाया। सुनिए, बगदाद को जब टारगेट बनाकर अपनी फ़ौज लेकर वो बगदाद पर चढ़ाई करने के लिए निकला, तो बगदाद से काफ़ी फासले पर पड़ाव किया, अभी काफ़ी दूर था, और उसने अपने दो सिपाहियों को भेजा कि बगदाद का मुआयना करके आओ, देख आओ लोकेशन क्या क्या कैसा है। तो उसके सिपाही जब बगदाद के लिए निकले तो लोगों में हलचल मच गई, बहुत सनसनी फैल गई कि हलाकू करीब आ चुका है और बगदाद को तबाह करने वाला है, क्योंकि सब तबाहियां उन्होंने देख ली थी। हलाकू ने क्या क्या, कौन कौन से शहर बर्बाद किए, कितनों का कत्लेआम किया, वो सबको पता था। तो बगदाद के अक्सर लोग दौड़े दौड़े हज़रत मोहम्मद जाम के पास आए, कहा कि आप हमारे रहबर हैं, आप हमारे रहनुमा हैं, अल्लाह वाले हैं, हमें बचा लें, आप दुआ करें। हलाकू जैसा जालिम बगदाद पर टूट पड़ा है। वो उस वक्त बैठे हुए थे, उनके हाथ में कटोरी थी, आपने वो कटोरी को यूं पलट दिया और कहा जाओ अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। लोग चले गए, लोग चले गए। अल्लाह वालों को अल्लाह ताला ने ये इख्तियार दिया है, तसरुफ़ दिया है, और उनकी अदाओं को अल्लाह कबूल भी करता है। हुआ ये कि हलाकू के दोनों सिपाही पूरे रास्ते भर छान मारते रहे, उनको बगदाद नज़र ही नहीं आया, और ढूंढते रह गए, उनको सिर्फ मैदान ही मैदान, मैदान ही मैदान दिखता था, कहीं बगदाद दिखता ही नहीं था। वो वापस लौटे और बादशाह से कहा कि बगदाद तो है ही नहीं करीब कहीं पर, कोई शहर ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चटियल मैदान है। तो हलाकू को इतना गुस्सा आया उनकी बात पर कि ये झूठ बोल रहे हैं, दोनों को उसने कत्ल कर दिया। कहा झूठ बोल रहे हो तुम, बगदाद के बिल्कुल हम करीब आए हुए। दूसरे दिन बगदाद को अपने ख़ास दो वज़ीरों को भेजा, कहा जाओ तुम देख कर क्या हो, आम सिपाहियों पर भरोसा नहीं है। अपने मोतमद दो वज़ीरों को भेजा, वो जब आए, दूसरा दिन था, तो फिर लोगों को खबर चली कि आज हलाकू के दो जासूस, उसके मखसूस वज़ीर आ रहे हैं। फिर दौड़े दौड़े हज़रत मोहम्मद जाम के पास आए और उनसे सिफारिश करने लगे कि हुज़ूर आज वो अपने मखसूस जासूसों को भेज रहा है और वह बगदाद के करीब आए हैं, हमारी बीवियाँ बेवा हो जाएंगी, बच्चे यतीम हो जाएंगे, बचा लें, अल्लाह का वास्ता देते हैं। हज़रत मोहम्मद जाम ने आज फिर कटोरी उठाई, पलट दिया, कहा जाओ अल्लाह हिफाजत फरमाए, चले गए। वो दो वज़ीर भी घूम फिर करके गए, उन्हें भी बगदाद नज़र नहीं आया, सिर्फ चटियल मैदान। अल्लाह वाले अपने कूजे से जिसे चाहे छुपा लें। वापस वो शाम को लौटे, हलाकू के पास, कहे सच कह रहे थे वो दोनों सिपाही, हमें भी बगदाद नज़र नहीं आया, हम गलत रास्ते पर तो नहीं आए। बादशाह को अब गुस्सा भी था और तजस्सुस भी बढ़ गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसने कहा अब मुआयने की ज़रूरत नहीं, मुझे यहाँ से बगदाद की रोशनी नज़र आ रही है, और तुमको करीब से बगदाद क्यों नहीं नज़र आया। तो फिर तीसरे दिन उसने फ़ौज की तैयारी कर ली कि नहीं अब मुआयने की ज़रूरत नहीं, सारी फ़ौज ही चल पड़े, मेरे साथ साथ चलो और हमला एक साथ किया जाएगा बगदाद पर। तीसरे दिन सफ़ें लग गईं, हलाकू उसकी सिपह सालारी कर रहा, सरबराही कर रहा था, और जब बगदाद की तरफ वो तबल बजाते हुए, नक्कारे बजाते हुए निकले, अब फिर बगदाद वालों में सरासीमगी फैल गई।
अब यहाँ पर दौड़ भाग, सारे इधर उधर खलबली मच गई। फिर दौड़े दौड़े हजरत मोहम्मद जाम के पास आए, मोमिनीन का एक बड़ा मजमा आया, सब रोने लगे, कहा कि हुजूर बचा लें बगदाद को, यहाँ अमानतें हैं बुज़ुर्गों की, यहाँ मुसलमानों का मरकज़ है, बचा लें। हजरत मोहम्मद जाम तीसरे दिन उनके हाथ में कटोरी थी, वो पलट रहे थे, गैब से निदा आई कि ऐ मेरे बंदे अब रुक जाओ, अब रुक जाओ, कब तक तुम इन्हें इस तरह से बचाते रहोगे, इन्होंने अब तक अपनी हालत नहीं बदली, इनको अपनी हालत पर छोड़ दो। हजरत मोहम्मद जाम को हुक्म हुआ, गैब से निदा आई, उन्होंने वो कटोरी छोड़ दी, नहीं पलटा। फिर उसके बाद हुआ ये कि हलाकू बगदाद में दाखिल हो ही गया अपनी फौज को लेकर, और ऐसी तबाही मचाई, ऐसी तबाही, अल्लाह की पनाह, एक महीने तक बगदाद में सिर्फ चीख ही चीख थी, आवाज़ें ही आवाज़ें थी, जिस तरफ से गुजरते लाशों का अंबार था, घर बार जलाए जा चुके थे, इस्लामी ज़खीरा जो लाइब्रेरियाँ थीं वो जलाकर राख कर दी गई, दरियाए दजला का पानी पूरा खून से लाल हो गया था, और घोड़े दौड़ते थे बगदाद की गलियों में तो मुसलमानों के खून से घोड़ों के टाप भीग जाते थे। इतना कत्ले आम किया, मस्जिदें तख्त ताख्त ताराज हो गईं, वहाँ की बुलंदो बाला पुरशिको इमारतें तबाह बर्बाद कर दी गईं, उलमा को कैदी बनाया गया, न जाने कितनी तबाही हुई, उसका बयान करना बयान से बाहर है। मेरे अजीज़ों, ये तबाही तारीख की दास्तान बन गई, आज भी तारीख उठाओगे तो हलाकू के बगदाद की तबाही की दास्तानें तुम्हें बहुत जली हरफों में नज़र आएंगी। लेकिन कहना ये चाहता हूँ कि इसमें, इस तारीख में छुपा हुआ ये वाकया हमें झिझोड़ता है। अल्लाह वाले भी, औलिया इकराम भी उस वक्त तक बचाते रहते हैं जब तक तुम्हारे सुधरने की उम्मीद हो, फिर एक वक्त ऐसा आता है कि मौला ताला खुद मना कर देता है कि ऐ मेरे महबूब बंदो, इनकी हिफाजत भी मत करो, इनको अपने हाल पर छोड़ दो, इनको अपने हाल पर छोड़ दो, कहीं वो नौबत ना आने पाए, वो वक्त आने ना पाए। ऐ गयूर मुसलमानों, मैं तुम्हें बेदार करता हूँ। इसीलिए ज़माने माजी के कुछ शायरों ने यह कहा था, जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें यह हंगामे, उठो नशाते लज्जते ख्वाबे गिराम बदल डालो। हाँ, गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है, मुसाफिरों रविशे कारवां बदल डालो, उठो अगर ना हश्र ना होगा फिर कभी, दौड़ो के ज़माना चाल अपनी चल गया। आज तुम्हें पता है तुम्हारी तबाही के मंसूबे, उसके ताने बाने पूरे बुने जा चुके हैं, तुम्हारे खात्मे की मंसूबे मुकम्मल किए जा चुके हैं, और तुम आपस में यहाँ गत्थम गत्था हो, तुम यहाँ पर अब तक अपने ताश के पत्ते छोड़ने को तैयार नहीं, तुम्हारे शराब की दुकानें बंद नहीं हो पाती, तुम्हारे नशे की आदतें ख़त्म नहीं हो पाती, कहाँ गया वो गयूर नौजवान, जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तन्हा आवाज़ देते थे तो सुहाग रात छोड़ करके हंजला जैसा जवान भी मैदान में आता था, अपनी आज की दुल्हन को छोड़ कर निकल आता था, कहाँ गया वो हमारा नौजवान। बूढ़े भी अपने वक्त में, तुम्हें पता है बद्र की रात को दूसरे दिन जाना है, मदीने के एक घर में बाप और बेटे में झगड़ा हो रहा है, किस बात पर, बेटा कहता है मैं रसूल पाक के साथ जाऊंगा, बाप कहता है नहीं मैं जाऊंगा, दोनों में झगड़ा हो रहा है, और दोनों ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास शिकायत की कि आका आप फैसला फरमा दें कौन जाएगा। बेटा कहता है ये बाप मेरे बूढ़े हो चुके हैं, इन्हें घर संभालने दें। बूढ़े कहते हैं नहीं, मेरा हक ज़्यादा है, मैं उम्र वाला हूँ, इसका तजुर्बा कम है, मैं आपके साथ जाऊँगा। ये खेलने के लिए मुकाबला नहीं हो रहा है, जान देने के लिए मुकाबला हो रहा है, गर्दने लेकर के निकलने वाला है। हुजूर पाक ने फरमाया कुरानदाजी कर लो, कुरानदाजी कर लो, नाम निकालो। कुरानदाजी की गई तो बेटे का नाम निकला। बाप ने कहा मैं ये कुरान नहीं मानूंगा, और एक बार कुरा करो। दोबारा कुरानदाजी की गई, फिर जवान बेटे का नाम निकला। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस बूढ़े सहाबी से, कहा आप घर बैठ जाएं, आपका ये लाल, आपका ये जवान मेरे साथ चलेगा। जानते हैं हुजूर के इस फरमान के बाद वो बूढ़े सहाबी धाड़े मार कर रोने लगे, या वैलाह या वैलाह, ए अल्लाह ये कितनी बुरी हालत है मेरी कि मेरे बुढ़ापे ने मुझे मुस्तफ़ा से दूर कर दिया।
अगर मैं बूढ़ा ना होता तो आज चला गया होता। वो जज्बा कहाँ चला गया हमारा, वो जोश कहाँ चला गया, वो वलवला कहाँ गया। तुम बदलते नहीं और पूरी दुनिया में बैठकर तस्बीह के दाने घुमाकर और तुम कहते हो अल्लाह की रहमत आ जाए, अल्लाह की मदद आ जाए। याद रखो ये सुन्नत के खिलाफ है, सुन्नत के खिलाफ है। मैं खुद अपने आप पर कभी कभार कोसता हूँ कि हाँ ठीक है, अल्लाह ताला ने एक मिंबर दिया या आवाज़ दी तो मैं जो बोल सकता हूँ बोल रहा हूँ। मुझे इतनी उम्मीद ज़रूर है कि हमारी ज़ुबान से आवाज़ निकलेगी, मौला किसी के भी दिल को बेदार ज़रूर करेगा, बेदार तो होंगे। लेकिन साथ में मुझे इस बात का अफसोस होता है कि आज हमारे हालात ऐसे हैं कि कमरे में बैठकर डिस्कस कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर बैठकर चैटिंग कर रहे हैं, एक जगह की दूसरे जगह की वीडियो वायरल करते हैं कि देखो फलां जगह ऐसे आतंक मचाई जा रही है, ऐसे किया जा रहा है। ये सारा का सारा इंतज़ाम तो तुम व्हाट्सएप पर कर रहे हो, तुम्हारी सारी तैयारी तो सिर्फ फेसबुक पर है। बाकी बाहर निकलो तो देखो न चेहरे से तुम्हें ग़ुलाम मुस्तफ़ा कोई कहने को तैयार है, न तुम्हारे लिबास से कोई तुम्हें ग़ुलाम मुस्तफ़ा कहने को तैयार है, न तुम्हारी ज़ुबान से, न तुम्हारे अखलाक से, न तुम्हारे मामलात से। ग़ुलाम मुस्तफ़ा वो होता था कि वो रास्ते पर चले तो उसका रौब ऐसा तारी होता है कि अच्छे अच्छों की आँखें नीचे गिर जाएँ, आँखें नीचे हो जाएँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गुलामी को तुम हल्का समझते हो, बदलो मेरे अजीज हो। कुरान सच कह रहा है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, बेशक अल्लाह ताला उस वक्त तक किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक उस कौम को खुद अपनी हालत बदलने की फिक्र ना हो। इसीलिए इकबाल ने कहा था कुव्वत फिक्र अमल पहले फना होती है फिर किसी कौम की शौकत पर जवाल आता है, फिर किसी कौम की शौकत पे जवाल आता है। हमारी शौकत, हमारी शान, हमारी बान पर जो आज जवाल आया है उससे पहले हमारे सोच विचार और हमारे अमल की कुव्वत फना हो गई है। हाँ, सब कुछ ख़त्म करके अब हम ये जवाल के दिन देख रहे हैं। बहुत तेज़ी से दिन बदले हैं मेरे अजीज़ हो, हमारी आँखों के सामने बदले हैं। मैं ये नहीं कह रहा बदल रहे हैं, बदल चुके हैं। आज से सिर्फ 10 साल पहले जाओ, आज से सिर्फ 5 साल पीछे भी जाओ, जो हालात थे वो आज बहुत तेज़ी से बदल चुके हैं। और फिर अगले जो आएंगे इतने अरसा भी तुम्हें मोहलत नहीं दी जाएगी। दुश्मन घात लगाकर अपने कमीन गाहों से तुम्हारी ताक में है। इसीलिए मैंने कल भी एक जुमला कहा था कि नशीमन से धुआं उठता है और तुम कहते हो सावन है, घर में आग लगी है और धुआं निकल रहा है और तुम कह रहे हो सावन का मौसम चल रहा है। मेरे अजीज़ बच्चों, आज ये गुल्ली डंडे का वक्त भी नहीं, क्रिकेट और हॉकी और फुटबॉल का वक्त भी नहीं है तुम्हारे पास। तुम्हारे हाथों में कुरान अजीम आ जाना चाहिए, तुम्हारी ज़ुबानों पर अब नगमाते मुस्तफ़ा आ जाना चाहिए। तुम पूछोगे इससे होगा क्या, तुम्हें पता नहीं क्या होगा, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। कुरान की एक आयत अगर मौला पहाड़ों पर नाजिल करे तो रेजा रेजा हो जाए, वो रेजा रेजा हो जाएंगे। क्या कुरान पर यकीन नहीं है तुम्हारे? अल्लाह ने फरमाया लो अनज़लना हादल कुरान अला जबल लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह, अगर हम ये पहाड़ों पर नाजिल करते तो तुम देखते कि अल्लाह की खशियत से ये रेजा रेजा हो जाते। आज तुम्हारे हाथों में अगर कुरान आ जाए और तुम्हारे सीने में बस जाए फिर देखना कुरान की इस ताकत को लेकर जिस राह से गुजरोगे दुश्मन रेजा रेजा ज़रूर होंगे, ज़रूर होंगे। आज तुम्हारे पास जो ताकत है, कुव्वत है, वो कुरान है और इश्क़ मुस्तफ़ा है। और इश्क़ मुस्तफ़ा नारों से नहीं। हाँ, आप यही कहेंगे कि हम तो आशिकान मुस्तफ़ा हैं, हम मिलाद भी मनाते हैं, नातें भी पढ़ते हैं, नारे भी लगाते हैं सब। अगर नारे लगाना और नाते मुस्तफ़ा पढ़ना ही इश्क़ मुस्तफ़ा की अलामत होती तो न बद्र होती, न उहद होता, न खंदक होती, न हुनैन, कुछ नहीं होता। सब सहाबा बैठ कर के, सहाबा बैठ कर मस्जिद नबवी में ही नारे लगाते, सब दुश्मन फना हो जाते। ऐसा नहीं है। पहले मैदान में अपने अमल के साथ उतरो, अपने अमल के साथ उतरो। हाँ, तुम हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आशिक हो तो अमल के साथ आओ, तुम अपने आप को बदलो। कुरान की इस मोहकम आयत के बारे में मैं आपसे कह रहा हूँ, अल्लाह ने सच फरमाया उस वक्त तक वो हालत नहीं बदलेगा जब तक तुम अपनी हालत नहीं बदलते। अब हदीस सुनो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते एक बंदा अगर अपने आप को बदलना चाहे, बदलना चाहे, कितना टाइम लगना चाहिए बदलने में आपको, कब तक?
कुछ तो लिमिट होगी, आप बदलना चाहें। हुजूर फरमाते हैं अगर कोई बदलना चाहे और निकल पड़े मौला के रास्ते पर, हुजूर फरमाते हैं कि अगर वो एक बालिश्त आगे बढ़ेगा तो रब तबारक व ताला की रहमत एक हाथ आगे बढ़ जाएगी, अगर वो चल करके आएगा तो मौला की रहमत दौड़ कर उसे लेगी। हाँ, तुम्हारे सिर्फ उठने की देर है। तुमने बनी इसराइल के उस शख्स के बारे में सुना नहीं, हदीस पाक में, सही हदीस पाक, जिसने 100 लोगों का कत्ल किया और तौबा के इरादे से वो निकला। उसे एक आलिम दीन ने बताया कि जाओ बैतुल मुकद्दस की तरफ, अल्लाह के घर की तरफ, तुम जाओ वहाँ तौबा करो, अल्लाह ताला तुम्हारी तौबा कबूल करेगा। वो अपने घर से निकला, बीच रास्ते में उसका इंतकाल हो गया, तौबा करने की मोहलत भी नहीं आई, अभी उस जगह पहुँचा भी नहीं था। ये सिर्फ़ और सिर्फ निकला है अपने आप को बदलने के लिए और बीच में मौत भी आ गई। और हदीस पाक में अजाब के और रहमत के दोनों फरिश्ते आए, अजाब के फरिश्ते जहन्नम में ले जाने के लिए, रहमत के फरिश्ते जन्नत में ले जाने के लिए। क्यों? दोनों ये कह रहे थे अजाब वाले कि ये 100 कत्ल कर चुका है, गुनहगार है। रहमत वाले कहते नहीं, तौबा की नीयत से निकला था, साफ हो रहा था। जिब्राइल अमीन को हकम बनाकर अल्लाह ने उतारा कि देखो इन दोनों के दरमियान फैसला करो। कैसे फैसला? इसके घर से बैतुल मुकद्दस तक की ज़मीन नापो, ये जहाँ गिरा है देखो, अगर बैतुल मुकद्दस से करीब है तो जन्नत वाले ले जाएं, अगर दूर गिरा है तो दोजख वाले ले जाएं। नापा गया तो बराबर बीचों बीच वो इंतकाल करके गिरा है, बीचों बीच, इधर भी बराबर है, इधर भी बराबर है। अब क्या फैसला किया जाए? दोनों जगह की मसाफत सेम है। तरब तबारक व ताला ने फरमाया जिब्राइल अमीन से, जिब्राइल देखो मुंह किस तरफ किया हुआ है। देखा गया कि वो बैतुल मुकद्दस की तरफ, और एक हदीस में अल्लाह वालों की बस्ती की तरफ मुंह किया हुआ था जब मरा हुआ था। रब ताला ने फरमाया रहमत वालों को दे दो, रहमत वालों के हवाले कर दो, उसे जन्नत ले जाएं। बदलना चाहो तो मौला ताला इतना तेज तुम्हें बदल देता है, और नहीं बदलना चाहो तो तुम्हें इसी तरह छोड़ देता है। तो कुछ तो होनी चाहिए हमारे अंदर एहसास बदलने का। सिर्फ और सिर्फ अगर किसी को ऐसा लगता है कि तकरीरें सुनना ये एक एंटरटेनमेंट है तो मैं कहता हूँ ये सुनना भी छोड़ दो। अगर उलमा की तकरीरें या हमारे बयाना सुनते हो तो तुम्हारी ज़िंदगी में इनकलाब आना चाहिए, तब्दीली का मिजाज पैदा होना चाहिए कि कल तक मेरी नमाजें कज़ा होती थी, आज मैं नमाज की पाबंदी कर लूँ इसीलिए कि मुझे कल क़यामत के दिन हिसाब देना है। और उसके अलावा आज के हालात क्या झिझोड़ते नहीं है तुम्हें? आज के हालात नहीं झिझोड़ रहे तुम्हें? जालिम सर पर अब नंगा नाच नाचने के लिए तैयार खड़े हैं। वो दिन तुम्हारे सामने आएंगे, तुम देखोगे कि बच्चों के खून से ये होली खेलेंगे। हाँ, ये दिन आएंगे, करीब है। हर जगह पर फितना व फसाद, हर जगह पर खून रेजी, हर जगह पर कत्ल व गारत। हज़रत नियामतुल्लाह शाह किरमानी 800 साल पहले के एक बुज़ुर्ग हैं, उनकी प्रिडिकेशन बहुत मशहूर है। उन्होंने जो पेशेंट गोइयाँ 800 साल पहले की थी वो सब की सब आज साबित होती नज़र आ रही हैं। उन्होंने हिंदुस्तान के पूरे हालात के बारे में पेशेंट गोइयाँ की हैं, उनकी पूरी किताब मौजूद है फ़ारसी में। उन्होंने अपने ज़माने के बाद होने वाले हालात में सब बताया, कौन सा बादशाह आएगा, कितने साल हुकूमत करेगा, क्या क्या होगा, और आज के हालात तक उन्होंने बयान किए। उसमें उन्होंने एक बात ये भी बयान की है, मैं ये नहीं कहता कि हम जो है आंख बंद करके हर चीज़ पर यकीन करेंगे, मुस्तकबिल जो भी है वो अल्लाह के दस्ते कुदरत में है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन बुज़ुर्गों ने इल्म लदुन्नी से, अल्लाह ताला का जो ख़ास इल्म उन्हें मिला हो उससे कभी कभार कुछ बातें बयान करते हैं। उन्होंने ये बयान किया कि एक वक्त आएगा हिंद पर जब दरियाए अटक का एक नाम लिया उन्होंने, या फिर तिब्बत के पास कि एक दरिया है या एक मैदान है, वो तीन बार पूरे खून से भर जाएगा, इतना कत्लेआम कर दिया जाएगा। सोच सोच करके कभी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, जब बारिश बहुत तेज़ आती है तो फिर लोग छत के नीचे चले आते हैं,
या छाता निकाल लेते हैं और तुम कौन सी जिंदगी गुजार रहे हो। फितनों की बारिश और जुल्म की बारिश इतनी तेज हो चुकी कि तुम मुस्तफ़ा करीम की छत के नीचे भी आना नहीं चाहते और ना ही अखलाक मुस्तफ़ा की छतरी लेना चाहते हो। कौन सी जिंदगी में हो। बदलो अपने आप को, मेरे रब तबारक व तआला का फरमान हक है। वरना हालात हमने ये भी देखे हैं, जिंदगी तुम्हारी 80 साल की हो जाए अगर एक जगह बैठ करके तुम इंतज़ार करते रहे तो कुछ तब्दील नहीं होना है। वो खालिक़े असबाब है, सारी चीज़ें असबाब पर रखा है। मौला अगर चाहे तो डायरेक्ट आसमान से तुम्हारे मुंह में रोटी डाल दे, लेकिन उसकी मर्जी ऐसी नहीं। उसकी मंशा ये है कि पहले बीज बोओ, फिर फसल आए, फिर उसके बाद कटाई हो, फिर भी उसके बाद पिसाई हो, फिर आटे की गुंधाई हो, फिर उसके बाद रोटी बने, फिर तवे पर जाए, फिर पककर तुम्हारे मुंह में आए। इतनी मंजिलों से गुजार करके तुम्हारे मुंह तक लाता है, लेकिन क्या वो इन मंजिलों का मोहताज है। वो डायरेक्ट तुम्हें रिस्क खिला सकता है, लेकिन उसने पूरी कायनात को असबाब पर रखा है। इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ तुम इस यकीन पर नहीं रहना कि हम उनका दामन पकड़ें, इनका दामन पकड़ें, सब हो जाएगा। दामन पकड़े रहो लेकिन हरकत भी करते रहो। हाँ, बगैर हरकत किए, मिसाल के तौर पर समंदर में आप तैर रहे हो, चाहे अच्छे से अच्छे तैराक का दामन पकड़े रहो और अपने हाथ पर ढीले छोड़ दो, उसको भी ले जाओगे तुम, उसके लिए क्या हो जाओगे। मेरे अजीजों, आप अपने हाथ पैर तो चलाओ, अमल के मैदान में आप खुद तो आओ। अब ये आयत करीमा के बाद जो आखिरी में हमने आयत तिलावत की है वो ये थी। अल्लाह ताला फरमाता है, ये हमारे हौसले के लिए भी है। अल्लाह ताला फरमाता है, वला तहसबनल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़्ज़ालिमून। लोगों, हरगिज़ ये गुमान मत करना कि अल्लाह जालिमों के कामों से बेखबर है। जालिमों के किसी काम से अल्लाह बेखबर नहीं। वो जो कुछ भी कर रहे हैं मौला सब देख रहा है, हर चीज़ देख रहा है और अंजाम बहुत करीब है। इन्नमा युअख्खिरुहुम लियौमिन, अल्लाह उन्हें ढील दिया हुआ है। कुरान में रब ताला फरमाता है, उन्हें ढील देता है उस दिन के लिए जब सब की आँखें देखेंगी कि ये किस पलटी खाएंगे, कैसी पलटी खाएंगे। अब मैं यहाँ पर भी यही कहूँगा कि जालिम जिस कदर भी जुल्म कर लें, एक वक्त आएगा जब मेरे मौला की पकड़ होगी। चंगेज़ नहीं बचा, हलाकू नहीं बचा, फिरौन, कारून, शद्दाद, हामान, अबू जहल, अबू लहब, ये सब अपने जुल्म की दास्तान लिख कर के चले गए, इनके निशानात नहीं रहे। तो फी ज़माना, हमारे ज़माने का भी कोई जालिम जिंदा नहीं रहेगा। रब तबारक व तआला की पकड़ आएगी, आएगी। ये और बात है कि एक बड़े बुज़ुर्ग ने लिखा है, वो बहुत अच्छी लगी मुझे बात। फरमाया कि अगर अल्लाह तबारक व तआला किसी कौम से नाराज़ हो, अल्लाह किसी कौम से नाराज़ हो तो सज़ा के तौर पर उन्हें हाकिम जालिम दे देता है। जालिम हाकिम ही उस कौम की सज़ा है। अक्सर ये देखा गया है कि कौम की सज़ा जालिम हाकिम ही बन जाता है। रब ताला की तरफ से ऐसे ये अंजाम होते हैं मेरे अजीज़ों। फिर जब इज्तिमाई तोबा करोगे, अपने आप को बदलोगे, तो मौला भी ये कायनात के सारे इस निज़ाम को बदल देगा। और एक आयत ये भी मैं सुना दूँ, अल्लाह फरमाता है, अगर तुम नहीं चेंज होना चाहते, तय करके रखे हो कि जैसे हम वैसे ही रहेंगे, बोलने दो मौलाना लोगों को, हम जैसे वैसे ही रहेंगे। इन यशा युज़हिबकुम, अल्लाह फरमाता है, अगर मौला, अगर तुम ये नहीं चाहते बदलो, अगर अल्लाह चाहे तो तुम सबको ख़त्म कर देगा। वह यस्तखलिफ मिन बादिकुम मा यशा, तुम्हारे बाद फिर जिसे वो पसंद करेगा उसको अपनी ज़मीन पे लाएगा, फिर किसी और कौम को वो बसाएगा। हमसे पहले भी कौमें आबाद रही हैं, तुमसे निज़ाम कायनात नहीं है, तुमसे दुनिया नहीं चल रही है, तुम्हारी वजह से सूरज और चांद का निज़ाम नहीं है। तुम्हें तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात में ठहरने का मौका दिया है। अगर तुम ये समझ रहे हो कि मेरे ही से सब चल रहा है तो खाम ख्याली है।
हाँ, बदलने की अपने आप को फिक्र आज ही से तय कर लो। रमज़ान है, बेहतरीन मौका है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को गवाह बनाओ, मेरे मुस्तफ़ा को हाजिर और नाजिर मानकर उनके दरबार में ये कह दो एक बार, एक बार, मेरे आका को शाहिद मानते हो, मेरे आका को हाजिर मानते हो, मेरे आका को नाजिर मानते हो, तो फिर उनके सामने हाथ जोड़ कर कि यूँ कहो, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो, के रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, हम बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। एक मैं क्या, मेरे इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफ़ी है इशारा तेरा, या रसूल अल्लाह तू जो चाहे तो मैल मेरे दिल के धुलें, कि खुदा दिल नहीं करता कभी मैला तेरा, या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियाँ खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा, गंदे निकम्मे कमी महंगे हैं कोड़ी के तीन, कौन हमें पालता तुम पे करोड़ों दुरूद, और बेहुनरो बेतमीज किसको हुए हैं अजीज, एक तुम्हारे सिवा तुम पे करोड़ों दुरूद, करके तुम्हारे गुना मांगे तुम्हारी पना, और तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद, बख्श दो जुर्मो खता तुम पे करोड़ों दुरूद, गरचे हैं बेहद कसूर तुम हो अफूवो गफूर, गरचे हैं बेहद कसूर तुम हो अफूवो गफूर, बख्श दो जुर्मो खता तुम पे करोड़ों दुरूद, रिज्क के कासिम हो तुम, खल्क के हाकिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला तुम पे करोड़ों दुरूद, या रसूल अल्लाह तुम हो हफीज व मुगीस, क्या है वो दुश्मन खबीस, तुम हो हफीज व मुगीस, क्या है वो दुश्मन खबीस, तुम हो तो फिर खौफ क्या तुम पे करोड़ों दुरूद। बस ये आला हजरत ने हमें सिखाया है, ये आला हजरत ने हमें सिखाया है, जिस दिन तुम बेदार होकर मेरे नबी को शाहिद मान कर के ये कह लोगे, इंशाल्लाह वो बदलियाँ छट जाएंगी, वो अबर हट जाएगा, ये जालिम नाहू ये जालिमों की नहुसत ख़त्म हो जाएगी, देखना तुम अपनी आँखों से इन कीड़ों को मरते हुए देखोगे, तुम अपनी आँखों से इन दज्जालों को तबाह होते हुए भी देखोगे, इंशाअल्लाह एक दिन मेरी ये कौम बदल जाएगी। तो इकबाल ने भी कहा था, इकबाल ने भी कहा था कि कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ, गर तुम निकल आ जाओ एक बार नारे तकबीर के साथ, बस एक बार तुम निकल आओ नारे तकबीर के साथ, वो नारा नहीं जो सिर्फ और सिर्फ तुम अपने लिए लगाते हो या फिर इंटरटेनमेंट करते हो, बल्कि वो नारा जो कभी अबू उबैदा बिन जर्राह से निकला था, कभी खालिद बिन वलीद की ज़ुबान से निकला था, कभी हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब से निकला था, उनकी ज़ुबानों से जो नारा निकलता था वो रूह से निकलता था, और उनका यकीन कामिल हुआ करता था, चाहे दुनिया की सारी ताकतें सामने हो मौला मेरे साथ है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो वक्त तब्दीली का अनकरीब आएगा, मुझे उम्मीद है, मुझे उम्मीद है, इमाम महदी को अभी आना है, ईसा अलैहिस्सलाम को अभी उतरना है, और पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम अभी लहराना बाकी है। मेरे आका ने फरमाया है उस वक्त तक कयामत नहीं आएगी जब तक पूरी दुनिया का दीन सिर्फ और सिर्फ इस्लाम ही रहेगा, सिर्फ इस्लाम रहे, और मेरे आका ने फरमा दिया तो मैं कहता हूँ ज़मीन टल जाएगी, ज़माना टल जाएगा, मेरे मुस्तफ़ा का फरमान कभी नहीं टलेगा, वो होकर रहना है, वो होकर रहना है। लेकिन उससे पहले जो ये हालात पैदा हो रहे हैं उसके लिए मैं ज़रूर कहूँगा तुम उठो बेदार हो जाओ, तुम बेदार हो जाओ। हाँ, जालिमों के लिए अल्लाह फरमाता है उन्हें ढील दिया है, आज उन्हें ढील दिया है, और नाचो जितना नाचना है, और जुल्म करो जितना जुल्म कर सकते हो, फिर मौला की रस्सी तुम्हें एक दिन पकड़ेगी और ऐसे बांधा जाएगा कि तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा। तुम्हें पता है अबरहा को कितना घमंड था, कई हाथियाँ लेकर के वो खाने काबा को ढाने के लिए आया था, मक्का वालों की ताकत नहीं थी मुकाबला करने की, मौला करीम ने छोटी छोटी चिड़ियों से ऐसा तबाह किया कि कुरान कहता है कअस्फि मकूल, वो बादशाह अबरहा और उसकी फौज ऐसे दिखते थे जैसे किसी ने मुर्गी छील करके खा करके छोड़ा हुआ हो, जैसे कोई मुर्गी खाकर गोश्त खा करके हड्डियां छोड़ देता है, पूरी फौज की दुर्गत ऐसी बनी हुई थी, हिला को बर्बाद होकर
खाए हुए मुर्गियों की तरह नजर आते थे। वो दिन आएगा जब ये सारे कीड़े मकोड़ों की भी अल्लाह वही हालत बनाएगा। शर्त यही है कि तुम मुस्तफ़ा करीम की गुलामी में आ जाओ। एक बार तुम अपने आप को बदल लो और तुम्हारी आंखों से भी नजर आने लग जाए, तुम्हारे चेहरे से भी नजर आने लग जाए, तुम्हारे लिबास से भी, तुम्हारे अखलाक से भी नजर आने लग जाए कि ये रहता यहां पर है लेकिन बदन में खुशबू मदीने की आया करती है। हाँ मेरे अजीजों, होना यही चाहिए कि तुम्हें देख करके सामने वाले को ऐसा महसूस होने लगे अब तो मेरे आका को मुझे देखना है। ये गुलाम इस कदर खूबसूरत है तो इसका आका कितना खूबसूरत होगा। ये कैफियत जब पैदा हो जाएगी इंशाल्लाह फतह तुम्हारे मुकद्दर में है। अल्लाह करीम कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मौला हमें हमारे हालात बदलने की तौफीक अता फरमाए। ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, हम तेरे दरबार में सच्चे दिल से तौबा करते हैं। इस रमज़ान की बरकत से हम सब की तौबा को कबूल फरमा। देख मौला हम सब तेरी तरफ बढ़ने के लिए निकल पड़े, अपने घरों से तेरे घर तक आ चुके। मौला अब तू अपने घर से हमें वापस न लौटा, इसी घर का बना दे और तेरा अपना महबूब बंदा हमें बना दे। ऐ मौला हमें कुव्वत हैदरी अता फरमा, बाजुए खालिद अता फरमा। ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, शुजाअत सलाहुद्दीन अता फरमा, ताकि तेरे हबीब पाक की उम्मत पर आए हुए इन मसाइब का हम डट करके मुकाबला कर सकें। ऐ करीम खुदा हमारी ईमान में कुव्वत और शुजात अता फरमा, हम सबको साबित कदमी अता फरमा। मौला हमारी कौम के बच्चों को, जवानों को, बूढ़ों को, हमारे उलमा को, मशायख को बुजदिली से नजात अता फरमा दे, बुजदिली से आसाद फरमा दे। मौला जब तक जिए सर उठाकर तेरे हबीब की गुलामी में जिए, और जब मौत का वक्त आए तो मौला तेरे नारों के साथ हमारा लाशा उठाया जाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।